सभी को नमस्कार। जीके कार्ड की तरफ से इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करी जाएगी अभी, जो डिलीवरी कुरियर से मुझे मिला है। और साथ में मेरी पुरानी कैंची मुझे मिल गई है। एक्चुअली ये मिल नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, तो इस वाली कैंची से अनबॉक्सिंग करनी पड़ रही थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो करते हैं लाओ इसे अनबॉक्स। काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये पार्सल, ये कम्पैक्ट सा है। यहाँ से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये बैक साइड से भी कर सकते हैं। बैक साइड से थोड़ा घिस गया है ये, ऐसा लगता है, इसलिए मैं नीचे बटर पेपर रखता हूँ, ताकि जो है आपको ये इसकी वजह से। अच्छा, आजकल अंदर ये अच्छा आता है, आजकल गत्ता सा आता है अंदर, तो वो चिंता नहीं रहती। तो ये ना, ये घिस ही जाते हैं कई बार, वो कहाँ कहाँ पे रखा जाता है इस हिसाब से फर्क पड़ता है। ज़मीन पे अगर घिस दिया जाए तो वो ऐसा हो जाता है। तो कट हो चुका है ये, बटर पेपर की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा इसको, इसके अंदर जो गत्ता है उसको ले लिया जाएगा बाहर, और इसको इस तरीके से बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। इसको ऐसे रख देते हैं, इसको हटा देते हैं। इस पर काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है, कोई बात नहीं, सैनिटाइजर यूज़ कर लेते हैं, तो बार बार हाथ धोना संभव नहीं होगा। सैनिटाइजर को यूज़ करके अब इसको अच्छे से कर देते हैं अनबॉक्स। ठीक, यहाँ से इसमें भी कट दिख रहा है, तो फिर कट की बजाय कहाँ पर टेप लगी हुई है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टेप है जहाँ से, वहाँ से कट करेंगे इसको। हो गया है कट। तीन लेयर की पैकेजिंग है, पहले वो डिलीवरी वाला जो प्लास्टिक का पैक होता है। जीके कार्ड की पैकिंग काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा ये गत्ते वाला सा, और उसके बाद में जो है ये बबल रैप। और स्पीड ना पहले से इंक्रीज़ हुई, अगर आप नोटिस करोगे तो। अगर आप मेरा सर्व समर या इससे पहले का, आई एम सॉरी, सर्व आयुध सर्व ग्रहण वाला अगर आप याद करोगे, या पुराने जो पार्सल उनसे और आप कंपेयर करोगे, तो अब काफ़ी फास्ट आ रहा है। ये उन्होंने कब डिस्पैच करा था, मतलब नवंबर में ही डिस्पैच किया था उन्होंने शायद ये, आज मतलब काफ़ी फास्ट आया। मतलब ये मानना पड़ेगा कुछ तो इन्होंने चेंज करा है, कैसे क्या किया पता नहीं, पर अब पहले से चेंज आ रहा है। मतलब पहले काफ़ी थोड़ा ये थोड़ा सा ये होता था कि इनका थोड़ा डिले हो जाता था पार्सल। चेक कर लेते हैं क्या क्या है। को भी रिमूव कर देता हूँ। काफ़ी पैकेजिंग है, एक और निकल गई, एक पैकेजिंग और है इस पर। मतलब जितने प्रोडक्ट हैं उससे ज़्यादा तो इनकी लेयर ऑफ पैकेजिंग, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है जीके कार्ड से। को मैं 15 दिसंबर मुझे याद है, मेरा मैंने अकाउंट चेक करा था, तो 15 दिसंबर को पहला ऑर्डर किया था मैंने। ठीक है, तब से अब तक काफ़ी चेंज आ गया है। इसको करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी नॉर्मलिटीज़ वगैरह दिख रही हैं, देख लेते हैं। और देख ली सारी, और जो है इसमें दो ही प्रोडक्ट्स हैं, पर काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। मतलब पैकेजिंग की लेयर इसमें टोटल चार निकलती हैं, दो बबल रैप वगैरह सारा कुछ, और प्रोडक्ट टोटल इसमें तीन प्रोडक्ट हैं। मतलब देख लीजिए, ये है इसमें प्रोडक्ट्स। तो मोस्ट अवेटेड पार्सल है ये, सर्व समर का पेपर बैक एडिशन है, सर्वसमर का संग्राहक संस्करण है, और ये कुछ नॉवल्टीज वगैरह रखी हुई है। एक एक करके देख लेते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं सर्वसमर का पेपर बैग एडिशन, ये देखिए। तो पहली बार संजय गुप्ता जी का पेपर बैग आया है, 500 की प्राइसिंग वाला, बिग साइज़ में, जो विदाउट स्पोर्ट यूवी है। तो इस पर स्पोर्ट यूवी नहीं है, अदरवाइज़ संजय गुप्ता जी के जो पेपर बैग्स आते हैं उन पर स्पोर्ट यूवी देखने को मिलता है। और ये है इसका संग्राहक संस्करण, और संग्राहक संस्करण में यही प्रॉब्लम आती है हमेशा, उसमें जो है आपको इनसाइड का जो कवर होता है वहाँ पर स्पोर्ट टीवी देखने को नहीं मिलता है, और ऊपर का जो जैकेट कवर होता है सिर्फ उसी पर ही स्पोर्ट टीवी आपको देखने को मिलता है। तो
तो जैसा आपको सर्व आयुध में पेंसिल वर्जन का आपको जैकेट मिलता है, वैसे जैकेट इसमें मिलता है, अच्छा है वैसे पेंसिल वर्जन, अच्छी अच्छा है काफ़ी। और ये देखिए आपके सामने सर्व समर का पेपर बैक और संग्राहक संस्करण दोनों सेम ही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों पर ही स्पॉटी भी नहीं है और मैट फिनिश है दोनों में, मतलब वैसा ग्लोस जो आता था ना जैसे पहले नाग प्रलय नाग प्रलोप वगैरह में आता था, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें देखिए बहुत अच्छे हैं अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है, तो सबसे ज़्यादा खास बन जाती है सर्वनायक, मतलब सर्वनायक का ये वो पार्ट है जिसमें अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन देखने को मिलता है। तो अनुपम सिन्हा जी का इतना जो काम हो गया था कि सर्व समर में उनका काम है, महानागायण में उनका काम है, देखिए महानागायण रक्त पर्व का एक रेप्लिका भी यहाँ रखा हुआ है जो मैंने कल अनबॉक्स किया था, और उसके अलावा जो उनकी शक्ति रूपा सीरीज़ की 3 कॉमिक्स थी 96 96 पेजेस की, उसके अलावा भी जो सर्व सत्र खैर वो तो अभी नई बनी है, तो इतना सारा काम इकट्ठा हो गया था, मतलब वो प्रकाशित ही नहीं हुआ था, पता नहीं ऐसा क्या चक्कर हुआ। तो देखो अभी ये जब प्रकाशित हो रहा था तब ये राज खुला, मतलब ये तो मुझे पता भी नहीं था कि ये अनुपम जी का है, पूरी कॉमिक्स में अनुपम जी का काम है, कुछ पेजेस हैं उसमें दिख रहा है हेमंत कुमार जी का काम बहुत बढ़िया। और स्पेल अलग टाइप की इसमें आ रही है, पहले मैं एक बार ना 1999 में क्यूज मास्टर और सम्मोहन मैं लाया था ना, वैसी स्मेल इसमें आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मतलब वैसी स्मेल इसमें आ रही है, अलग टाइप की स्मेल आ रही है इसमें बुक में। और पेज है ना थोड़े से, जैसे मैं आपको बताऊँ सर्व आयुध, मैं एक्चुअली कंपेयर करूँगा बाद में, ये फिलहाल अनबॉक्सिंग तो सीमित रहेगा, तो सर्व आयुध जो था ना थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउनग्रेडेड लगा था, मतलब वो ज़्यादा ग्लोसी पेजेस थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि गीले सूखे जो भी था ना बाइंडिंग वगैरह वो क्वालिटी नहीं आ पा रही, इसमें क्वालिटी से बेटर है, हालांकि मैं मानूंगा कि ऊपर स्पोर्टिव भी नहीं है, डेफिनेटली अच्छा है काफ़ी ये। सर्व समर का ये संग्राहक संस्करण सेम वही आर्टों के साथ में, एक तरफ आतंकहर्ता नागराज और दूसरी तरफ जो है अब हमारा ये बालचरित वाला सुपर कॉर्नर ध्रुव, कॉर्नर इसके हल्के से डैमेज तो नहीं है पर मुड़े हुए हैं इधर से नीचे से थोड़े से, देखिए इधर से तो शार्प है काफ़ी, तो ऐसा ये मोटे गत्ते वाला, अगेन वैसे मोटे गत्ते वाला है ये, सर्व ग्रहण का ऐसे मोटे गत्ते का आया था काफ़ी, ऐसे काफ़ी स्टड है ये संग्राहक संस्करण। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें थोड़ा प्राइस ड्रॉप भी हमको देखने को मिला था, ये संजय गुप्ता जी ने ये जो है 700 रुपये का और ये 500 रुपये का है, मतलब कि लिखा हुआ है इसमें, देखिए इसमें 700 रुपये लिखा हुआ है, इसमें 500 रुपये लिखा हुआ है पेपर बैग पे, वो आपको जो है आपको 1200 में होता है, तो इसका कॉम्बो शायद 1100 कुछ रुपये का था, तो इन्होंने प्राइस रिड्यूस किए थे अभी कुछ दिन पहले रिलीज से पहले, इसका इसका 400 रुपये और इसका जो है 600 रुपये, 100 रुपये कम किए थे और कॉम्बो और 50 रुपये कम किए थे, मतलब अदरवाइज़ के कॉम्बो महंगा पड़ जाता लोगों को जैसा मतलब वो था। तो और ये इसका जैकेट कवर है। नोवल्टीज़ हम देख लेते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारी नोवल्टीज़ लग रही हैं, ये रीज़न ये है कि एक तो ये इस पेपर बैग के साथ में सिल्विया करके है ये एक शायद उसकी नोवल्टी आई है, दूसरा ये एक भोकाल का अग्निखंड, अग्निखंड नाम का कॉमिक्स और है, इसको भी देख लेते ना, तो अग्निखंड कॉमिक्स है, इसमें आपको जो है ये देख लीजिए मृत्युरथी का नेक्स्ट पार्ट है, चित्रांगन बिल्कुल वैसा ही है, तो मृत्युरथी का नेक्स्ट पार्ट और कुछ नहीं इसमें खास, तो पढ़ेंगे इसको, सितंबर 2022 का प्रकाशन है इसमें, सर्व समर चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ है, पेपर क्वालिटी वगैरह अच्छी है, इसमें स्पोर्ट यू का यूज़ किया हुआ है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं किया है ना, सर्व समर में करते अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। इसमें प्रकाशन कब तक का है देख लेते हैं, इसमें जो है प्रकाशन है वो आपको सितंबर, दोनों में सितंबर 2022 लिखा हुआ है, तो नवंबर में प्राप्त हुआ ये, खैर कोई बात नहीं, और उसके बाद में जो है ये आपके नोवल्टीज़ का पूरा एक पैक है। अच्छा इनमें जीके कार्ड्स ने इस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने बता भी दिया था, उन्होंने क्या करा कि इसके ऊपर रखे हुए थे, आपने देखा होगा कि कॉमिक्स तीनों अलग निकले हैं और ये नोवल्टीज़ अलग से ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि पहले क्या होता था होता कहते हैं होता है मतलब पब्लिशर की तरफ से क्या होता है नोवल्टीज़ इसके अंदर रखी हुई आती हैं, ये देखो यहाँ पे आपको इसके इंप्रेशन दिखेंगे इस जगह पे गड्ढा से बना हुआ, यहाँ पे रखी हुई आती है नोवल्टीज़ ऐसे मानो, और फिर बाद में क्या इसकी काफ़ी थिक नोवल्टी आती है संजय गुप्ता जी वाली, तो फिर वो कुछ मतलब पैकेजिंग वगैरह में दब बब जाती है तो कॉमिक्स ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी जितेंद्र जी से कि भाई आप थोड़ा जो है अलग से इसको ऊपर रख दिया करो, तो उन्होंने रखा भी था, पर इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा जो टाइम वगैरह वो लग जाता है, पर हाँ इसमें आपको अलग से देखने को मिली, ये दो बार इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पेपर बैग के साथ भी ये फ्री है स्टैंडी और संग्राहक संस्करण के साथ भी ये स्टैंडी जो है फ्री है। इसके अलावा जो संग्राहक संस्करण में आपको मिल जाता है ये एक सुपर कमांडो ध्रुव जो कि शो स्टॉपर ध्रुव है, अलग आयाम का है, और इसका साइज़ वगैरह मुझे लग रहा था वीडियो मैंने जब देखा था काफ़ी छोटा होगा, पर इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक एक स्टैंडी से काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये जो अपना नागराज का जो स्टैंड था नागपर वाला उसमें आप रखोगे तो इस साइज़ का आपको देखने को मिलेगा, तो
अच्छा एक मैग्नेट स्टिकर है, ठीक है। मुझे लगा था कि कोस्ट कटिंग होगी बहुत ज़्यादा, नोटिस भी नहीं मिली, मिली है लेकिन आभार पत्र आपको देखने को मिल जाता है। आभार पत्र क्या होता है कि सर्व समर का जो पेपर वेग एडिशन है उसके जो फ्रंट कवर के इनसाइड का पार्ट होता है वहाँ पर लिखा होता है आभार पत्र। और ये मैं कई बार पहले भी रिवील कर चुका हूँ कि जैसे ही आप संग्राहक संस्करण परचेज करते हैं तो यहाँ पर ये जैसे इस तरीके का अस्तर मिलता है तो वो आभार पत्र आप लोग मिस करते हैं तो उसको अलग से दिया जाता है, जो लोग सिर्फ संग्राहक संस्करण लेते हैं उनके लिए है ये, तो ये आभार पत्र है। चलिए इसको पढ़ेंगे, करेंगे इसका रिव्यू वगैरह सारा कुछ। अच्छी क्वालिटी लगी, मतलब जो अब प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से ठीक है। और अनुपम जी का चित्रांकन बहुत अच्छा, मतलब बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ये बेस्ट सर्वनायक होगी मेरे लिए। कहाँ पर इसमें आर्टिस्ट वगैरह नाम देखते कहाँ लिखे हुए हैं, प्रस्तावना समाप्त, ये तरीका है अनुपम जी का, तो ऐसे करते हैं वो। ये देखिए यहाँ, यहाँ देखते हैं इसको इस तरीके से। ये देखिए विनोद कुमार जी, नरेश कुमार जी और जगदीश कुमार जी की इंकिंग है और पेंसिलिंग में लिखा हुआ अनुपम सिन्हा जी और हेमंत कुमार जी का नाम। तो ड्रैकुला सच में ड्रैकुला लग रहा है, मतलब ड्रैकुला जब सरनाक सीरीज में आता है तो वो फर्क पड़ता है, लेकिन ड्रैकुला की कॉमिक्स ओरिजिनली अनुपम जी ने बनाई थी नागराज रूम में। ये जो पार्ट ना इधर वाला ड्रैकुला, ये अनुपम जी वाला है, इधर वाला ये हेमंत कुमार जी वाला लग रहा है एक पेज ये। उसके बाद ये पूरा ही अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन वाली कॉमिक्स है, देखिए। और काफ़ी लंबी जाएगी अनुपम सिन्हा जी के चित्रांकन साथ में। लास्ट में ये कुछ पेजेस हैं, इसमें भी एक चक्कर है थोड़ा सा, ऐसा कुछ लग रहा है इसमें, जैसे यहाँ पे किसी और की इंकिंग। अच्छा इसमें पेज नंबर भी तो नहीं होता, नहीं चक्कर है। जैसे ये दो पेज हैं, ये हेमंत कुमार जी वाले हैं, ये अनुपम सिन्हा जी का तो है लेकिन इसमें जगदीश कुमार जी की इंकिंग है, फिर ये हेमंत कुमार जी का है जगदीश, ऐसा कुछ चक्कर है। मतलब इस तरीके से इसमें आपको नेक्स्ट में मिलेगा, मतलब ज़्यादातर काम जो है अनुपम सिन्हा जी का इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो देखते हैं, पढ़ करके डिटेल रिव्यू आ जाएगा आपके सामने। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। काफ़ी फास्ट मिला मुझे, मतलब कंपेरेटिवली पहले से, और काफ़ी ठीक कंडीशन मिला। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।